दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के बॉक्स ऑफिस क्लैश को हो चुका है काफी वक्त, लेकिन दोनों फिल्म्स के बिजनेस को लेकर चल रहा कंपैरिजन का सिलसिला अभी तक नहीं थमा है। बाजीराव में काशीबाई का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली और कभी शाहरुख की सबसे खास फ्रेंड रह चुकी प्रियंका ने इस बात पर जाहिर की अपनी नाराजगी। रिसेंटली एक अवार्ड नाइट में पहुंची प्रियंका ने दिलवाले और बाजीराव के कंपैरिजन और कंपटीशन पर सामने रखे अपने व्यूज और बताया इसे एक डर्टी गेम। मैंने हमेशा कहा है कि इस गंदे कंपैरिजन में प्लीज फिल्मों को ना लाएं। फिल्म्स एक आर्ट, फिल्म मेकिंग इज अ क्राफ्ट। दोनों फिल्मों ने बहुत मेहनत की है और उसको बिरेट और बिलिटल ना कीजिए। इट्स शाहरुख एंड काजोल, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं कर सकते। इट्स द गोल्डन कपल ऑफ इंडियन सिनेमा। ये पहली बार है जब दो फिल्में रिलीज के 10 दिन बाद भी एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। फिलहाल ये कंपटीशन अच्छी ओपनिंग और 100 करोड़ से भी आगे निकल चुका है। इंडस्ट्री में स्पेकुलेशन इस बात को लेकर है कि किस फिल्म का ओवरऑल बिजनेस ज्यादा रहेगा और कौन किसको करेगा ओवरटेक, पर पीसी इस बात से नहीं करती अग्री। क्लैशेस आएंगे, हमेशा आएंगे, हिस्ट्री में हमेशा आए हैं और आते रहेंगे। इतने ही रिलीज डेट्स हैं और बहुत सारी फिल्में हैं। बाय द वे, इन दोनों फिल्मों की वजह से स्टार वॉर्स आगे गई है गाइस, हमको तो उस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। बर्फी, मैरी कॉम और फैशन जैसी फिल्मों में काम कर चुकी प्रियंका यकीन रखती हैं अच्छी फिल्मों में एंड नॉट इन नंबर गेम्स। मैं इन नंबर्स पे नहीं बिलीव करती, क्लब्स में नहीं बिलीव करती। आर्टिस्ट हूं और अपने डायरेक्टर को मुबारकबाद देने जा रही हूँ। वेल सेड प्रियंका। व्यूअर्स आपकी एक्टिंग के साथ साथ आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को भी करते हैं काफी पसंद।